हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कल आपको पढ़ाई थी एकांकी संचय, महाभारत की सांस चल रही है। तो इतना छोटा चैप्टर लेसन नहीं था, लेकिन फिर भी उसका एक भाग और सिर्फ बचा हुआ है अभ्यास पुस्तिका का। तो हम गद्यांश का पढ़ करके उसका व्याख्या उसकी करेंगे। उसके बाद से आपको हर प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे, आप उसको अच्छी तरह से समझ करके लिखेंगे। तो फिर आज ये एकांकी संचय के पाठ पाठ महाभारत की सांस। अभी आप पढ़े हो 1 to 5, यानी 5 भाग उसका आप पढ़ चुके हो। और आज होगा 6 भाग, 6। कल आप पढ़े थे कि दुर्योधन युधिष्ठिर से उनकी आत्मप्रवंचना को बंद करने को कह रहा है और अपनी गलत दलीलें देकर के उन्हें यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि महाभारत युद्ध के कारण आप ही हो और आप अन्याय के मार्ग पर चले हो। उसके बाद तो यहाँ तक जो पढ़ाया गया था, जो प्रश्न उत्तर मैं दी थी, उसको आप कर लिए होंगे, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बता के दे रही हूँ। तो आज आगे का ये पैराग्राफ है। दुर्योधन जब कहता है कि मैं जानता हूं युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और कारण भी चाहे तो तुम उसे विश्वास न करने दोगे, और अगर जब वह करना भी चाहे तो तुम उसे विश्वास नहीं करने दोगे, क्योंकि पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से हम जब एक साथ हम लोग पढ़ते थे, तब से लेकर आज तक ये सारे चित्र मेरे आंखों के सामने हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य तुम्हें दे दिया। यानी अब आपको ये महसूस होना चाहिए कि आधा राज्य उनके पिता के द्वारा पांडवों को दे दिया गया था। अब उसके आगे, कल तक आप यहाँ तक पढ़े हो, अब उसके आगे है पेज नंबर 79, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 79। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, मैं तो यही जानता हूं आधे राज्य पर मेरा अधिकार। तो फिर दुर्योधन इसको सुनकर के क्या कहता है, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो, मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया, तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा, राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया, यहाँ तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले, और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाएगा। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई दोष नहीं। ये पैराग्राफ आप सत्य को ढकने का प्रयत्न डैश डैश कमी नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित अभ्यास पुस्तिका में है। तो दुर्योधन युधिष्ठिर की बात को सुनकर के कह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर, आप सत्य को असत्य से ढकने का प्रयास न करो, उसे निष्पक्ष होकर के जांचो, मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। यानी दुर्योधन ये कहता है कि मेरे पास इतने प्रमाण हैं कि जो मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि तुमने आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन ना लिया, अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने शिशुपाल और जरासंध को समाप्त किया, यहाँ तक कि जुए में तुमने खेल खेल में अपनी पत्नी द्रौपदी को झट से ही लगा दिया, तुम अपनी ईर्ष्या न भूलो, और तुमने झट से अपने राज्य दाव पर लगा दिया, यदि तुमने तो अपना राज्य इसलिए लगाया कि यदि जीते तो इसका राज्य भी हमको मिल जाएगा। ये तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी, ये दुर्योधन का जनून था, यह दुर्योधन का तर्क था युधिष्ठिर के साथ कि तुम इसलिए यह खेला स्वीकार किए हो
कि तुमको ये था कि हम तो इससे जीत जाएंगे, तो जो आधा राज्य बचा है इसका वह भी हमारे पास आ जाएगा, इसलिए तुमने ऐसा किया। और वनवास और इसका परिणाम हुआ कि तुम्हें वनवास मिला, वह तुम्हारी महत्वाकांक्षा का परिणाम, यानी तुमने ये अधिक पाने की लालसा में दाव पर दाव खेलते गए, लेकिन तुम्हारी जीत नहीं हुई, इस कारण तुम वनवास गए हो। तो तुम अपने गलती से गए हो, न कि मैं गलत किया हूं, ये दुर्योधन कहता था युधिष्ठिर को। अब इसमें देखो क्वेश्चन है, दुर्योधन ने पुरोचन और द्रुपद के संबंध में किस तथ्य को प्रकट किया, यानी कह रहा है कि तूने कपट से पुरोचन को मारा और द्रुपद को अपनी शक्ति दिखाकर अपने में मिलाया, इसलिए कि तुम मजबूत हो जाओगे और तब मेरे साथ युद्ध करके और मुझे पराजित करोगे। दूसरा प्रश्न है कि अपने पिताजी द्वारा युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिए जाने का कारण क्या बताया, अभी आप पढ़े हो, इसके ऊपर के पैराग्राफ में आप पढ़े हो कि पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारी शक्ति को देखकर, तुम्हारे साहस को देखकर, बढ़ते हुए देख करके पिता ने तुम्हें आधा राज्य दे दिया, नहीं तो वह राज्य मेरा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया, इस संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर क्या आरोप लगाया। तो अभी आप पढ़े हो कि आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया, इस उक्ति के आधार पर इस संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर यह आरोप लगाया कि तुमने आधा राज्य पाकर के भी चैन की सांस न ली, तुमने अर्जुन को दूर दूर जा करके विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा और द्रुपद को ये अश्वमेध यज्ञ करके जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। ये सब उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाया कि ये सब तुमने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, तभी तो तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति दे करके हमारे पिता ने तुम्हें आधा राज्य दिया, ये दलित उन्होंने आरोप लगाया। फोर्थ क्वेश्चन है, जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से क्या कहा। जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि देखो द्यूत का खेल तुमने स्वीकार इसलिए किया कि हम इसमें जीत जाएंगे, तो यदि जीत जाते हैं, तुमने राज्य अपना लगाया इसलिए लगाया कि यह भी राज्य अपना लगाएंगे और जब लगाएंगे तो ये हार जाएंगे, तो इनका जो आधा राज्य इनका है वह भी मुझे मिल जाएगा, इसलिए तुमने किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि तुम जुआ इसलिए खेले कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी, तुम्हारा लालच था कि तुमको जितना था उससे संतुष्टि नहीं थी, तुम तो पूरे का हकदार बनना चाहते थे, इसलिए तुमने ऐसा किया और उसी लालच का परिणाम हुआ। और द्रौपदी का अपमान तुम कहते हो, तो द्रौपदी का अपमान हमने नहीं किया बल्कि तूने किया, तूने उसे दाव पर लगाया, इसलिए वह द्रौपदी उस समय नहीं रह गई, वह तो दासी थी, और इसी सब का परिणाम था कि तुम्हें वनवास झेलना पड़ा। अब है सत्य को विचित्र बांधकर उड़ा देना। अब देखो तब युधिष्ठिर क्या कहता है, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, दुर्योधन मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में किया था, और तब तुम्हारी यह न्याय भावना कहां सो रही थी, फिर द्रौपदी को दाव पर लगा करके तूने उसका अपमान किया है, मैंने नहीं, जिस समय द्रौपदी सभा में आई वह द्रौपदी नहीं थी, वह तो दासी थी, और वह जुए में जीती हुई दासी थी, इसलिए मैं एक दासी का अपमान किया हूं, न कि द्रौपदी का। युधिष्ठिर जब यह सुनते हैं तो कहते हैं, यह कैसी विचित्र बातें तुम कर रहे हो। दुर्योधन सत्य को, ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है,
सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर, अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे माथे मढ़ा गया। यानी दुर्योधन का कहना है कि युधिष्ठिर यह सच है कि तूने जुए में खेला है, तूने अपना राज्य हारा है, तूने द्रौपदी को हारा है, इसलिए तुमको वनवास हुआ है। इस सत्य को तुम ढकने की कोशिश मत करो, और नहीं तो इसका दोष मुझे लगाया जा रहा है। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया है तुमने, अर्जुन से तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए गए, विराट राज से मैत्री कर के नए नए संबंध बनाए गए, और अवध पूर्ण होते ही यानी वनवास का समय काल पूरा होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं और निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? ये दुर्योधन कहता है कि तूने अर्जुन को दिव्य अस्त्र पाने के लिए तपस्या करने के लिए भेजा, और क्या किया, विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए, और वनवास का समय पूरा होने पर अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र और राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या यह कटु सत्य नहीं है? क्या तुमने ऐसा नहीं किया? तो इस बात को जब सुनते हैं युधिष्ठिर तो क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए। जब ऐसी बातें कहता है दुर्योधन तो कहते हैं युधिष्ठिर कि जो तुम बात कह रहे हो यदि सत्य कह रहे हो तो तुम जितनी भी घटना घटी है, जो भी द्यूत क्रीड़ा से लेकर के आज तक जितनी भी घटना घटी है उस घटना का तूने उल्टा अर्थ लगाया, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या है। यानी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि दुर्योधन तुम जितने तर्क दे रहे हो यह सब मिथ्या है, यह झूठा आरोप है। तूने अर्थ का अनर्थ समझ करके तो तुम आज यह बातें कह रहे हो। अब इसको क्वेश्चन देखो, दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार क्यों ठहराया? तो दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को दोषी जिम्मेदार क्यों ठहराया? तो इसलिए ठहराया कि उसका कहना था कि द्यूत क्रीड़ा खेल में तूने अपना आधा राज्य लगाया था, तूने अपने भाइयों को सेवक के रूप में लगाया था, तूने अपने पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए थे, तो जब तुम जुए में हारे हो उसका परिणाम है कि तुम वनवासी बने हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये दुर्योधन का कहना है। दूसरा प्रश्न है कि दुर्योधन के अनुसार पांडव ने वनवास का एक एक क्षण किस प्रकार युद्ध की तैयारी में लगाया? तो एक एक क्षण युद्ध की तैयारी के लिए हर एक पांचों भाइयों में से हर एक लोग एक एक तरकीब लगाते रहे, अर्जुन को दूर दूर तक तपस्या करके दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा गया, ये दुर्योधन युधिष्ठिर से कह रहा है, और विराट से मैत्री करके नए नए संबंध बनाए, और अवध पूरा होने के बाद अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्रों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, ये सब युद्ध की तैयारी का एक तरकीब था, ये दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा। थर्ड क्वेश्चन है, दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी का किस प्रकार अपमान किया? तो दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सभा के बीच द्यूत क्रीड़ा में दाव पर लगाकर उसका अपमान किया, क्योंकि एक नारी को युए में दाव पर लगाना ही अपमान है।
उन्हें यह सोचना चाहिए कि जीत या हार होगी। यदि यह हार हुई तो फिर द्रौपदी का अपमान के कारण युधिष्ठिर है न कि दुर्योधन। ये दुर्योधन का तर्क था। अब देखो चौथा प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार अभिमन्यु के विचार के बहाने, विवाह के बहाने पांडवों की कौन सी चाल चली। तो दुर्योधन के अनुसार अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्रों को, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और उन्हें आमंत्रित किया गया, एक जगह उन्हें इकट्ठा किया गया, उनसे उसी बहाने राय मशविरा किया गया और वह केवल युद्ध की तैयारी के लिए एक कारण विवाह का दिखाना था, एक माध्यम विवाह का था, लेकिन उद्देश्य युद्ध की तैयारी करना था। अब है उसके बाद जब दुर्योधन कहता है, किंतु यही बात जब दुर्योधन युधिष्ठिर ने कहा कि तुम जितने भी तर्क दे रहे हो तुम हर एक बात का ऊंचा अर्थ लगाए हो, तब दुर्योधन क्या कहता है, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण करना नहीं चाहा, मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। ये अंतर्यामी से लेकर रक्षा की को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसी पर आधारित आपका गद्यांश का प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा, जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर विरोचित कर्तव्य करना पड़ा। विरोचित मीन्स वीरो के लिए जो उचित हो। तो दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर जो तुम हमें कह रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो वह झूठी है। यदि यही बात मैं तुम्हारे लिए कह दूं कि जो तुम कह रहे हो वह बात झूठी है तो कैसा होगा, और तुम्हें पूरे इस वनवास की अवधि में युद्ध की तैयारी थी, तूने ही पहले आक्रमण किया, मैं आक्रमण नहीं किया, इसलिए युद्ध के, क्योंकि ये तथ्य, ये दुर्योधन कह रहा है कि अंतर यानी जो मन की बात जानने वाला है वह अवश्य देख रहा है कि इसमें अन्याय किसका है। फिर दूसरा प्रश्न है उसी के आगे पैराग्राफ में है, तो फिर अभिमन्यु के वध में दुर्योधन एक एक बात पर, हाँ जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा, ये दुर्योधन तर्क दिया। फिर युधिष्ठिर कहते हैं अभिमन्यु वध में क्या विरोचित था, जब दुर्योधन कहा कि जो विरोचित था, जो वीरों के लिए उचित था वही काम हमने किया, तो यह सुनकर के अर्जुन युधिष्ठिर ने कहा तो क्या अभिमन्यु का वध विरोचित था, एक निहत्थे पर 7 महारथियों को निर्दयता से उसे मारना क्या ये वीरों के लिए उचित था। तो दुर्योधन क्या कहता है, एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर, जब भीम द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी। यानी कह रहा है क्या दुर्योधन तर्क उसका दे रहा है कि तुम्हारे गुरु थे द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, जब इनका वध तुमने किया तो क्या ये विरोचित था, तो जब इनका वध विरोचित नहीं था तो अभिमन्यु का वध क्या है, वह भी जैसे तुमने किया वैसे हमने किया। जबकि यह दुर्योधन गलत तर्क पर तर्क दे रहा है जो कि सत्य नहीं है। भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया, यानी भीम कृष्ण के संकेत पाकर के मुझे गदा और संकेत का सहारा लेकर के जैसे मारा, क्या यह विरोचित था, ये दुर्योधन तर्क दे रहा है। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि क्या अभिमन्यु का जिस प्रकार से तुम लोगों ने वध किया क्या यह वीरों के लिए उचित था, तो फिर उसी को सुनकर दुर्योधन कहता है कि तुम लोगों ने गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह का जैसे वध किया क्या यह विरोचित था, भीम ने जैसे कृष्ण के संकेत पर मेरा वध किया क्या यह विरोचित था, ये दलील दे रहा है। पर युधिष्ठिर मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की मैं विवेचना करूं, मैं तो सबका सार बता सकता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण। मरते वक्त तक दुर्योधन ये कहा
मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की बात केवल जूझ रहा था। तुम्हारे चक्रांत, चक्रांत मीन्स चक्रांत यानी षड्यंत्र, साजिश, तुम्हारे षड्यंत्र में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था और तुमने जैसा जैसा ये षड्यंत्र रचा उसमें तुमने यह मेरा वध करके मेरे लिए यह पुरस्कार रखा था। अब है इसका प्रश्न देखेंगे, ये हो गया है, उसके आगे देखो। ये चौथा, चारों प्रश्न मैं आपको समझा दी हूँ, इस विश्लेषण से ही संबंधित, इस गद्यांश से ही संबंधित है। अब आगे है युधिष्ठिर क्या कहते हैं, सुयोधन तुम्हें भ्रांति हो गई है, तुम्हें संदेह हो रहा है, तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो गए हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस भेद का अंतर करने में तुम अब असमर्थ हो गए हो। कुछ क्षणों में ही तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। यानी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि दुर्योधन तुम जितनी बातें कह रहे हो यह तुमको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग विचलित हो गया है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो दुर्योधन क्या कहता है, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर, मरणोन्मुख, मरणोन्मुख मीन्स जो मृत्यु के समीप हो, मरणोन्मुख मीन्स जो मृत्यु के सम्मुख हो। तो दुर्योधन क्या कहता है, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर, मरने के समय जो मृत्यु के समीप है भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। कुछ क्षण में मैं इस लोक की सीमाओं को त्याग कर परे लोक पहुंच जाऊंगा, मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि नहीं होगी। और यह कह करके कराहता है, पर नहीं मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बताने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न असफल रहे। वह देखो अंधेरा चढ़ा जा रहा है, सांस हो रही है मेरे जीवन का अंतिम सांस, और उधर से मेघ घिरे आ रहे हैं द्रौपदी के बिखरे केसों के भांत, वो मुझे लगता है कि वे निगल जाएंगे। युधिष्ठिर जाओ जाओ, मुझे मरने दो, अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो, जाओ गुर्जनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। तब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, इतने उत्तेजित न हो। दुर्योधन कहता है, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है, दो क्षण और फिर मैं सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। यानी अंत में दुर्योधन युधिष्ठिर से यही कहता है कि अब देखो उधर संध्या हो रही है और द्रौपदी के केस जो उलझे हुए हैं, जो खुले हुए हैं, वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जितने कौरव के रक्तपात हुए हैं उस रक्त से उनके केस धुले जा रहे हैं, अर्थात उनके प्राणों का अंत हुआ। लेकिन कहा अंत में दुर्योधन के द्वारा यह कहा गया कि काश, यही दुख है मुझे। युधिष्ठिर ने जब कहा कि भाई दुर्योधन तुम अब शांति से रहो, अब जो हुआ सो हुआ, अपने प्राण को थोड़ा शांति से निकलने दो, यह सुनकर के दुर्योधन कहता है कि यही तो, यही अफसोस है कि काश आज मेरे पिता अंधे नहीं होते। इसी का परिणाम तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस युद्ध का परिणाम है, और मेरे पिता अंधे नहीं होते तो यह महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये लेसन, और हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपके आगे बताए हैं, आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कल मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। आपका ये लेसन पूरा समाप्त हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं बचना चाहिए, कारण
इसमें कम से कम 40-50 प्रश्न होंगे जिसका एक का भी उत्तर हम नहीं छोड़े हैं कि आपको नहीं बताए होंगे, तो आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।